समय की बात है। एक परियों का राज्य था। उस राज्य में बहुत सारी परियां रहती थी, जिसमें एक परी थी जो बहुत दयालु थी। वह सभी परियों की हमेशा देखभाल करती, उनकी परेशानियों में उन्हें सहायता करती और अच्छे से रहती थी। सभी परियां उसे बहुत प्यार करते थे। लेकिन उसी परियों में एक परी थी, दुष्ट परी। वह दुष्ट परी कभी किसी की अच्छाई नहीं करती, वह बाकी परियों को परेशान करने लगती। एक दिन वह दुष्ट परी दो परियों को देखकर सोचने लगी कि क्यों न मैं इसके बालों को एक साथ बांध देती हूँ। और वह यह सोचकर उसके बालों को एक साथ बांध देती है और वह दूर जाकर हंसने लगती है। जैसे ही वे दोनों परियां अब एक दूसरे से अलग होना चाहते हैं, तो उन्हें दर्द होने लगता है। वे रोने लगते हैं, बोलते हैं कि कोई मुझे ठीक करो, क्यों ऐसा कर रही हो। लेकिन वह खुश होने लगती है। वे परियां बहुत परेशान हो जाती हैं और दुष्ट परी को बोलते हैं कि तुमने ऐसा क्यों किया, हम लोग को छोड़ दो। लेकिन दुष्ट परी कभी नहीं समझती, वह खुश होती रहती है। और जैसे ही वह अंदर जाती है, तो देखती है कि एक परी माँ वहाँ पर खाना बना रही है। यह देखकर दुष्ट परी सोचती है, क्यों ना मैं इस खाने में ज़्यादा नमक डाल दूँ। और वह वहाँ पर जाकर परी माँ से बात करती है, बोलती है, परी माँ मैं खाना बना देती हूँ। यह सुनकर परी माँ वहाँ से चली जाती है। तभी दुष्ट परी वहाँ पर आती है और खाना में बहुत सारा नमक डाल देती है, ताकि खाना खराब हो जाए। उसके बाद वह चली जाती है। जब रानी माँ वहाँ पर आती है, तो देखती है कि खाना कब का बन चुका है। सभी परियाँ एकत्र वहाँ से बहुत सारे भूत निकल आते हैं और वे भूत उसे परेशान करने लगते हैं। कभी कोई मारता है, कभी कोई नोचता है, कभी कोई परेशान करता है। तभी वह चिल्लाने लगती है, अरे कोई है, मुझे बचाओ, इन भूतों से बचाओ, मुझे बचाओ। तभी दयालु परी आ जाती है और साथ ही साथ सभी परियां आ जाते हैं और उसे बोलते हैं कि तुम हमेशा से बहुत गलत करती हो, कभी किसी को परेशान नहीं करना चाहिए, नहीं तो वही नतीजा होगा जो तुम अभी झेल रही हो। तभी सारे भूत उनके बोलने पर वहाँ से चले जाते हैं और दुष्ट परी को समझ में आने लगता है कि वह सही में बहुत गलत कर रही थी। और वह खुश हो जाती है, उसे लग गया कि वह बच गई और दुष्ट परी अब सभी परियों के साथ खुशी खुशी रहने लगती है। सीख: कभी भी किसी के साथ बुरा व्यवहार नहीं करना चाहिए।